आरएन हॉस्पिटल के चर्चित डॉक्टर डीपी सिंह की प्रेमिका बाद में दूसरी पत्नी राजेश्वरी उर्फ रानी श्रीवास्तव हत्याकांड का यूपी एसटीएफ ने हाई प्रोफाइल लव सेक्स धोखा और हत्या के अंतर्राष्ट्रीय मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है। इस उलझी कहानी को सुलझाते हुए एसटीएफ ने डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह उर्फ डीपी सिंह पुत्र स्वर्गीय गणेश निवासी बतरौली थाना तुर्कपट्टी जिला कुशीनगर हाल पता नहर रोड दाऊदपुर आरएन हॉस्पिटल आशा हाईवे हॉस्पिटल के पीछे थाना कैंट को उसके दो सहयोगियों प्रमोद कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय रामशंकर सिंह निवासी कौशलपुरम राम जानकी नगर बशारतपुर थाना शाहपुर तथा देश दीपक निषाद पुत्र सीताराम निवासी दहला थाना चिलवाताल को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एसटीएफ की टीम ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी मृतिका रानी श्रीवास्तव का आधार कार्ड सहित कुछ नकदी भी बरामद किया है। गोरखपुर के पुलिस लाइन के सभागार में घटना का खुलासा करते हुए यूपी एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश ने बताया कि डॉक्टर डीपी सिंह का संबंध रानी श्रीवास्तव से 2006-07 में हुआ था। रानी के पिता हरिराम श्रीवास्तव डॉक्टर डीपी सिंह के अस्पताल में ही भर्ती थे, जिसकी वजह से रानी का यहां आना जाना होता रहता था। लगातार अस्पताल में रानी के आने जाने से उनका संबंध बन गया। फिर उन दोनों ने फरवरी 2011 में गोंडा में शादी कर ली। राखी को डॉक्टर ने सरस्वतीपुरम बिछिया थाना शाहपुर गोरखपुर में एक मकान खरीद कर दिया था। रानी की शादी साल 2018 में फरवरी में मनीष कुमार श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति से हो गई। शादी के बाद भी रानी का संबंध डॉक्टर के साथ बना रहा, लेकिन प्यार और धोखा में डॉक्टर डीपी सिंह ने अपने दो सहयोगियों के साथ पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के पोखरा में रानी श्रीवास्तव की पहाड़ पर से ढकेलकर हत्या कर दी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यूपी एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश ने इस हाई प्रोफाइल लव सेक्स धोखा और हत्या के अंतर्राष्ट्रीय मामले की पूरी जानकारी देते हुए बताया। ये मतलब अपहरण वाले मेंबर जो गए, स्टाफ वाले मेंबर जो गए मामला, अभी तो हम लोग यही कर रहे हैं। अभी हम उसी केस को हमारे पास उसी के रिपोर्ट के आधार पर अभी आ जाए। ये मतलब ये अपहरण वाले मेंबर जो गए, स्टाफ वाले मेंबर जो गए मामला, अभी तो हम लोग यही कर रहे हैं। अभी हम उसी केस अंदर वाला बहुत समय है, अंदर बहुत समय है, अरे ऐसा लोग करिए, सही बता रहे हैं। और देश दीपक निषाद डॉक्टर डीपी सिंह के दो कर्मचारी प्रमोद कुमार और देश दीपक निषाद, 4 जुलाई को यही दो कर्मचारी एक बोरोड स्कॉर्पियो में, एक स्कॉर्पियो जो किसी गौरव सिंह से बोरो की गई थी, अभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनकी जानकारी नहीं हुई है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि श्री डीपी सिंह पर वर्ष 2014 में रेप और अपहरण का मुकदमा राशि श्रीवास्तव ने लिखवाया था, और बाकी दोनों अभियुक्त के और कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक नहीं, ये जरूर विवेचना प्रकाश में आएगा। अभी तक इसकी जानकारी तो दूसरा है कि राकेश श्रीवास्तव जिंदा है, इसलिए उसके मोबाइल फोन को और फिर उसके बाद उस मोबाइल फोन को उसके सिम को निकाल करके गन में फोन में डाल करके उसको गुवाहाटी छोड़ो। कब तक चला है ये मोबाइल? मोबाइल चलता रहा है, घटना है कुछ दिन बाद का, बाकी डिटेल्स अभी कुछ डिटेल्स हमारे पास आई नहीं है, कुछ डिटेल्स अभी बहुत जल्दी पता चल जाएगी। 4 जुलाई को थाना शाहपुर में राखी श्रीवास्तव के लापता होने संबंधी एक एफआईआर दर्ज हुई थी। इस संबंध में एसटीएफ को जानकारी मिली कि सुश्री राखी श्रीवास्तव की लाश पोखरा नेपाल में मिली है और उसका पोस्टमार्टम भी। इस जानकारी के बाद एसटीएफ ने गहन छानबीन की तो ये पता चला कि सुश्री राखी श्रीवास्तव यहाँ डॉक्टर डीपी सिंह की काफ़ी करीबी थी और काफ़ी समय से उनके साथ रहती थी। डॉक्टर डीपी सिंह ने गोंडा में वर्ष 2011 में उनके साथ विवाह भी कर लिया था, इसके बावजूद कि डॉक्टर डीपी सिंह को विवाहित थे। राखी श्रीवास्तव ने फरवरी 2018 में
मनीष श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति से भी विवाह किया। 4 जून को राखी श्रीवास्तव की लोकेशन नेपाल में थी और डॉक्टर साहब भी अपने 2 कर्मचारियों के साथ एक बोरो की हुई स्कॉर्पियो में नेपाल गए थे। जानकारी डेवलप करते हुए ये पता चला कि डॉक्टर बीपी सिंह ने अपने इन 2 साथियों के साथ मिलकर राखी श्रीवास्तव को पहले कुछ नशीली दवाएं दी, शराब पिलाया, एल्प्रेक्स नाम की दवा से बेहोश किया। तत्पश्चात उन्हें पोखरा के ऊपर एक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। जो पोस्टमार्टम नेपाल में हुआ है उसमें सिर पर और पेट पर ब्लंट ऑब्जेक्ट की चोट होने के इंडिकेशंस हैं। पूछताछ में डॉक्टर डीपी सिंह के कर्मचारियों ने इस पूरी घटनाक्रम को कबूल किया है और भी एविडेंसेस मिले हैं और उसके अलावा एसएसपी गोरखपुर के साथ वार्ता करके इनके साथ समन्वय बिठा करके हम लोग अन्य एविडेंसेस की भी तलाश कर रहे हैं और इस घटना का अनावरण एसटीएफ द्वारा किया गया है। सर, क्या कारण था? जो वजह पूछताछ से प्रकाश में आ रही है कि राखी श्रीवास्तव से विवाह डॉक्टर साहब ने कर लिया था और उसके बाद राकेश श्रीवास्तव की कुछ डिमांड्स बढ़ती चली गई। राकेश श्रीवास्तव ने एक मुकदमा भी डॉक्टर साहब के खिलाफ लिखा दिया था वर्ष 2011 में थाना कैंट में, जो संभवतः अबडक्शन और रेप का मुकदमा है। इस मामले में राकेश श्रीवास्तव कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं थी और वो उनकी कुछ डिमांड्स संभवतः थी जो डॉक्टर डीपी सिंह पूरा करने को तैयार नहीं। राकेश श्रीवास्तव जिस मकान में रहती थी वो डॉक्टर डीपी सिंह का ही था और संभवतः राकेश श्रीवास्तव उस मकान को अपने नाम करवाना चाहती थी। जी हाँ, इसमें 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, डॉक्टर डीपी सिंह और उनके 2 कर्मचारी गिरफ्तार हुए। तीनों गिरफ्तारी गोरखपुर से ही हुई है और अग्रिम कार्रवाई गोरखपुर पुलिस द्वारा की जाएगी। कितने लोग और शामिल होने? ये 3 व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे, इन सभी को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये डेड बॉडी जो हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पर हिंदू कैलेंडर का डेट अंकित है और वो डेट 25/2/1975 यानी इंडियन कैलेंडर से, हिंदू कैलेंडर से 25/2/1975 की डेट इस पर अंकित 2075।